का कैंसिल हो गया, एक का बहाल है। अब उन्हें तो ये पता ना कौन उनका प्रत्याशी, पहली बात तो। और हमें तो अपना काम करना है, और हमारी पार्टी ये नहीं देखती हमारे सामने कौन है, क्योंकि सपा से जो लोग आपने देखा होगा, बदायूं का क्या हाल है, बागपत का क्या हाल है, क्योंकि वो लोग इतना हस्तप्रस्त हो गए हैं आज की तारीख में कि ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम भाजपा के सामने किसे लड़ाएं। अभी माननीय सिप्पाल जी ने साथ वहाँ वो बंद किया था, नहीं पहले सिप्पाल का टिकट हुआ, अब उसके बाद मेरे ख्याल चर्चा चल रही है आपके बेटे को साथ ले बदायूं पे, मेरठ से भी मेरठ हो गए, बदायूं हो गई, मुरादाबाद हो गया। तो विपक्ष इस सोच नहीं पा रहा है कि हम करें तो करें क्या भाजपा के सामने, तो इसलिए बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ है। और पूरे देश में माननीय मोदी जी की लहर आज की तारीख में, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, हर तरफ ये मोदी जी की लहर है और एक तरफा चुनाव है। और मेरे ख्याल से हमारे जो नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 400 पार का, ये छोटा लक्ष्य है, मेरे ख्याल अगर 450 पार का भी होता वो भी हम पूरा करते।